आप सभी का स्वागत है इंग्लिश अधिकारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 5 अप्रैल 2022 के मध्य प्रदेश के सभी करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चल तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं बता दूं कि पहले हम लोग कल की क्लास का रिविजन कर लेंगे, उसके बाद 5 अप्रैल के क्वेश्चन देखेंगे। तो कल हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमने बात की थी कि चार मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर एस्टैब्लिश होगा पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट, साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो की जो ट्रांसप्लांट यूनिट है, जिसके बारे में कल हमने डिटेल डिस्कशन किया था, वो भोपाल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर में स्थापित होगी। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव, तो भोपाल, रीवा, जबलपुर में तो होगी होगी, साथ में ग्वालियर में भी होगी, ये भी हमने बोल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हेन विल सीएम शिवराज सिंह चौहान लॉन्च मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो मैंने आपको बताया था कि जो 12th पास लोग हैं उनको सरकारी लोन इसमें मिल सकता है ना। तो ये जो योजना है 5 अप्रैल 2022 को यानी आज ही के दिन लॉन्च की जाएगी शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। और हमने बात कर ली थी कि इसमें 18 से 40 साल के जो लोग हैं है ना, जो 12th पास हैं, उनको लोन मिल सकता है 1 से 25 लाख का लोन अगर आपको सर्विस सेक्टर में कोई बिजनेस खोलना है, और 1 से 50 लाख का लोन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खोलना है। चल नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी मध्य प्रदेश स्टेट रेसलिंग अकेडमी की दो प्लेयर प्रियांशी प्रजापत और छाया पटेल। तो एक तो ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है कि प्रियांशी प्रजापत और छाया पटेल ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं, रेसलिंग से। और इनने पटना में जो हुआ जूनियर रेसलिंग कंपटीशन नेशनल लेवल का, उसमें इनने कौन सा मेडल जीता है, इनने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये हमने देख लिया था। चल नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के हेड रिसेंटली कौन डायरेक्टर बनाए गए, टीकम जोशी बनाए गए। चले तो मैंने इनके बारे में भी आपको डिटेलिंग करवा दी थी। और वर्ल्ड स्कूल गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली मध्य प्रदेश से कौन सी खिलाड़ी गई हैं, तो गई हैं बुशरा खान गौरी, ठीक है। ये सीहोर से है, 17 साल की, हमने इनके बारे में भी डिस्कशन किया था कि इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करना बड़ी बात है। अब हम लोग आज के यानी 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स को जल्दी से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, विच कॉमेडियन वॉज रिसेंटली honored with लाला अमरनाथ स्मृति टेपा कॉमेडी सम्मान। अब ये कॉमेडी सम्मान या मैं कहूं कॉमेडी सम्मेलन हर साल आयोजित होता है, तो ये जो टेपा कॉमेडी सम्मेलन है ये उज्जैन में 1970 से आयोजित हो रहा है। तो 1970 से ये हो रहा है और अभी उसका 50th एडिशन अभी 2022 में अभी हुआ। अब आप लोगों के मन में पहला डाउट तो ये होगा कि सर जब 1970 से उज्जैन में हर साल हो रहा है तो ये 52nd एडिशन होना चाहिए था, 50वां तो नहीं होना चाहिए था, 52वां होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि 2020 और 2021 में कोविड की वजह से 2 साल ये नहीं हो पाया सम्मेलन, और इसलिए अब जब हो रहा है तो हमने बोला ये 50th है, 52nd नहीं है। तो 50th जो कॉमेडी टेपा सम्मेलन है ये उज्जैन में होता है, 1 अप्रैल को आयोजित होता है, यानी इंटरनेशनल फूल्स डे, अंतरराष्ट्रीय मूर्ख दिवस, जिसमें हम सब एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाते हैं, तो उसी दिन ये आयोजित किया गया, इस साल भी किया गया। और कौन इसमें जीता है, तो सुनील पाल साहब इसमें जीते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों ने इसमें अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, और कौन जीते हैं, तो रतन नूरा खाम करते हैं ये खत्म पूरा। तो तुमने सुना होगा या तुम में से काफी बच्चे उस टाइम के नहीं होंगे जब ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया था। तो ऐसे नए नए कॉमेडियन जो कि रातों रात अच्छे फेमस हो गए, मतलब शो के आने के बाद, ऐसे तो बेचारों का काफी स्ट्रगल रहा, लेकिन शो के आने के बाद ये जो फेमस हो गए, घर घर में इनका नाम हो गया, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल और भी बहुत सारे लोग, तो इनको ही ये अवार्ड मिला है। हालांकि इस पर्टिकुलर इवेंट में सुनील पाल जी ने काफी लोगों को हंसाया, लेकिन एक आध कुछ विवादास्पद बातें भी कह दी थी, तो कुछ वुमेन के अगेंस्ट कुछ बातें भी इन्होंने कह दी थी जिस पर थोड़ा विवाद भी हुआ। खैर अब तो ये अपने घर वापस पहुंच गए हैं। द 50th ऑल इंडिया टेपा कॉमेडी सम्मेलन वॉज ऑर्गेनाइज ऑन इंटरनेशनल फूल्स डे April 1 इन कालिदास अकेडमी ऑफ उज्जैन। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज बींग ऑर्गेनाइज इन उज्जैन सिंस 1970 ऑन April 1। तो हर साल April 1 को, April 1 को ये कंडक्ट किया जाता है उज्जैन में। इसके बाद बात करते हैं, ये गोल्डन जुबली था इस साल। गोल्डन जुबली क्यों था, क्योंकि 50 साल कंप्लीट किए है ना, कॉमेडियन सुनील पाल टेपा कॉमेडी सम्मेलन में जीत गए हैं। और क्यों, क्योंकि इनने जो मिमिक्री की थी। अच्छा यहां पर एक और नाम दिया हुआ था, भगवंत मान। तो भगवंत मान आपको मालूम होगा कि ये भी पहले कॉमेडियन हुआ करते थे, इसी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कॉमेडियन हुआ करते थे, और कमाल की बात नवजोत सिंह सिद्धू तब जज हुआ करते थे और ये परफॉर्म करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू इनको मार्क्स
मार्क्स देते थे, रिजेक्ट एक्सेप्ट करते थे। और अब ये जमाना देखो आ गया कि ये पंजाब के नए सीएम बन गए और इनने उसी नवजोत सिंह सिद्धू को हरा दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, देखो समय कितना पलट जाता है। बस ये जरूरी है कि आप मेहनत करते जाओ और देखो तकदीर, वक्त, वो सब लोग जो आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने वाली पोजीशन में हैं, आपके नीचे भी हो सकते हैं। समय बहुत बड़ा बलवान खिलाड़ी है, कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली कंट्रीज लार्जेस्ट बॉम्ब वॉज मेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 500 kg का जनरल पर्पज बॉम्ब बनाया गया है, तो जीपी बॉम्ब बोलते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा अभी तक का बनाया गया बॉम्ब है, इंडिया का सबसे बड़ा है, दुनिया में तो इससे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन इंडिया का सबसे 500 किलो का बॉम्ब है, 500 किलो का बॉम्ब। और ये बताया जा रहा है कि ये इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि जब ये कहीं पर गिराया जाएगा तो ये पूरा एयरपोर्ट उड़ा देने की क्षमता रखता है। तो बंकर वंकर तो दूर की बात है, वो तो उड़ा ही देगा, पूरा का पूरा एयरपोर्ट उड़ा सकता है। 500 किलो का जनरल पर्पस बॉम्ब है और इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने बनाया है, खमरिया जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो इसके बारे में इसका सही आंसर क्या है, तो कहां पर बना है, खमरिया जबलपुर। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, है ना, तो खमरिया जबलपुर में इसका सही जवाब है जबलपुर। और सुकोई जो विमान है और जैगुआर जो विमान है उससे ये ड्रॉप किया जा सकता है। तो सुकोई विमान जो है ना वो हमने रशिया से लिए हैं, सुकोई, अगर आपने सुना, पूरी सीरीज है हमारे पास उन एयरक्राफ्ट की, और उसमें जो सुकोई SU-35 विमान है वो तो बहुत ही एडवांस्ड विमान है। हमारे पास मौजूद सबसे एडवांस्ड विमानों में सुकोई SU-35 और राफेल शामिल है, राफेल हमने फ्रांस से लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के बारे में बात करते हैं, ये डिफेंस अम्यूनिशन प्रोडक्शन यूनिट है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसने ही 500 किलो का जो जनरल पर्पज जीपी बॉम्ब है वो इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लार्जेस्ट एवर मेड इंडिजीनियस डेवलप्ड बॉम्ब है। अच्छा, इसकी लंबाई पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वजन तो 500 किलो हो गया, लेंथ कितनी है, तो 1.9 मीटर, तो 1.9 मीटर इसकी लेंथ होगी। अब आप सोचो 1.9 मीटर, तो लगभग 2 मीटर के आसपास, तो कितनी ज्यादा इसकी हाइट है, सॉरी लेंथ है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेड विद द कोऑपरेशन ऑफ DRDO, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसको बनाया। तो DRDO न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1958 में बना। अब देखो क्या होता है ना, कई बार जब मटेरियल बनाया जाता है तो हम जैसे एक रैंडम मटेरियल बनाया जा रहा है तो कई चीजें जो याद आती हैं वो डाल देते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैं हर बार बोलता हूं कि पढ़ाते समय याद आती हैं कि भाई ये भी डाल देना चाहिए, और उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे तो कितना कॉन्टेंट है जो देते रहो पता चला एक ही दिन के करंट अफेयर में उसको पता नहीं कितने दिन चला जा सकता है कि नहीं, लेकिन हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। मगर फिर भी मैं बोलता हूं इसलिए वीडियो देखनी चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको दो एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पे बता दिए जो यहां पर लिखे हुए भी नहीं है। तो न्यू दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है और 1958 में ही एस्टैब्लिश हुआ था। कुड बी इक्विप्ड ऑन सुकोई एंड जैगुआर एयरक्राफ्ट, तो सुकोई और जैगुआर एयरक्राफ्ट में इसको इक्विप किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया खुद 1943-44 में आई। मैं आपको यह भी बता दूं, यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया इतनी पुरानी है कि ब्रिटिशर्स के टाइम की आप देखो, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का रूल है, 1947 में हो जाएंगे। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दुनिया में, तब ब्रिटेन हम पर रूल कर रहा था और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ही उनकी अंडर में थी। तो इस फैक्ट्री से वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे अम्यूनिशन यहीं से बनकर वहां पे भी इस्तेमाल में आए हैं, और आगे चल के जब हमको आजादी मिल जाती है तो ये इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया और भी सारी। तो होता यह है कि फिर इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल में लेती है, और ये वही फैक्ट्री है जो कि इंडिया चाइना वॉर 1962 में भी अम्यूनिशन सप्लाई करती है, 1965 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी अम्यूनिशन सप्लाई करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश में ऐसी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 3 है, एक तो खमरिया जबलपुर में है, इसके अलावा एक कटनी में है, एक इटारसी में है, एक कटनी में है, एक इटारसी में है, और एक ये तीसरी वाली है जो हम पढ़ी रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां की, खमरिया जबलपुर। अच्छा, क्योंकि यहां पर मैंने यहां पर एक और जगह का नाम लिखा है भिंड, तो आपको मैं बता दूं, ये जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स देखते तो उनको तो ये याद हो गया होगा, है ना, फिर भी मैं बता दूं, फरवरी वाले महीने में मैंने आपको ये बताई थी बात कि इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहां पर अलाउ की गई है, तो मालनपुर जो सेंटर है, इंडस्ट्रियल सेंटर भिंड का, वहां पर। अभी बहुत बड़ी बात है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना बहुत बड़ी बात है ना, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली हुआ करती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर रहे हैं, और भिंड में सबसे पहली ऐसी फैसिलिटी बनाई जाएगी। चल,
तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली विच प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश हैज वन ब्रॉन्ज मेडल इन नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो देखो, जिसने भी नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल की चैंपियनशिप होती है, हमारा उस पर विशेष फोकस रहता है, आपको मालूम है ना। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि भाई पटना में तो वो जो दो वुमेन थी उनको सिल्वर मेडल मिला, तो मैंने बोला नेशनल लेवल रेसलिंग चैंपियनशिप है तो हमने फोकस किया। और ठीक वैसे ही अभी नेशनल लेवल की वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और उसमें भोपाल के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है हिमांशु थापा, और हिमांशु थापा साहब ने 89 केजी वेट कैटेगरी में 280 किलो वेट उठाया। 89 केजी तो इनका खुद का वजन, और इन्होंने जो वेट उठाया टोटल 280 केजी, और जिसकी वजह से इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हिमांशु थापा इनका नाम है, ये भोपाल से हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। भोपाल वेट लिफ्टर हिमांशु थापा ब्रॉट लॉरेल्स टू द स्टेट बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल इन नेशनल वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हेल्ड एट भुवनेश्वर इन ओडिशा। 89 केजी वेट कैटेगरी में ने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रिसेंटली एमजी नरेगा या मनरेगा लोकपाल विल बी अपॉइंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट। अब आपने सीधे आंसर ही देखा, आप देख रहे हो कि सीधे रेड कलर में मध्य प्रदेश है। ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का कोई सेंस तो है नहीं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप बोलो अरे एमपी के करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हो सर, आप तो एमपी आंसर होगा। इसलिए डायरेक्टली एमपी हाईलाइट कर दिया। अब अच्छे से लेकिन इसका सिग्निफिकेंस सुनना, क्योंकि एमजी नरेगा स्कीम में बहुत ज्यादा करप्शन के, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट की कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन उन पर सुनवाई हो नहीं पाती। इसलिए अब हर जगह पर एमजी नरेगा के जो ये एमजी नरेगा क्योंकि लागू है देश में, तो मध्य प्रदेश की सभी जिलों में एमजी नरेगा लोकपाल अपॉइंट किया जाएगा। इसका काम होगा कि जितनी भी कंप्लेंट्स आती है, जैसे इसमें स्कीम में क्या कि 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, कि भाई 100 दिनों का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे रूरल एरियाज में, पक्का है हमारा वादा है कि इस 365 दिनों में से 100 दिनों में आपको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे, है ना। लेकिन कई बार एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है तो कंप्लेन कहां पे करे वो व्यक्ति, तो किसके पास करेगा, इस लोकपाल के पास। दूसरी बात, काम मिल गया लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ, कहां पर कंप्लेन करेगा, लोकपाल के पास। क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत पुअर होता है तो कुछ कहीं पर किसी को कंप्लेन करनी, तो इसके पास कंप्लेन करो। तो ये मनरेगा लोकपाल एक नई पहल जो मध्य प्रदेश में हर जिले में शुरू की जाएगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में अभी लोकपाल होगा जो कंप्लेन को देखेगा। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। लोकपाल विल नाउ बी अपॉइंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी टू हियर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू एमजी नरेगा, लाइक वही पेमेंट ऑफ वेजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सेट्रा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी पेमेंट हो, अब भाई स्कीम तो आ गई लेकिन खुद प्रधानमंत्री थोड़ी ना एग्जीक्यूट करेंगे, करेंगे तो बीच के अधिकारी, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर भी जिनको काम दिया जाता है कि हाँ तुम भैया ये बनवा लेना मजदूरों से, ठीक है उनको पेमेंट कर देना, पता चला कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास पेमेंट रख ली। तो ये सब जो कंप्लेंट्स अब लोकपाल देखेगा, और एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी व्यक्ति को किस फील्ड में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, अकेडमिक, सोशल वर्क या मैनेजमेंट, तभी उसको एमजी नरेगा लोकपाल के पद पर बिठाएंगे, 10 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका टर्म कितने साल का होगा, तो 2 साल का इनका टर्म होगा, और इसको एक्सटेंड भी फर्दर किया जा सकता है, 1 ईयर एट अ टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं। और ऐसा कितनी बार बढ़ा सकते हैं, 2। जैसे कोई व्यक्ति जो 2022 में मान लो अभी बनाया गया है मनरेगा लोकपाल, तो 2024 तक तो उसका टेन्योर है ही, 2024 तक। अब इसका जो टेन्योर है वो एक एक साल करके फिर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, 2 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। इसका ये मतलब है 2022 से 24 तो उसका एक प्रॉपर फर्स्ट टेन्योर था ही, 2024 में उसको पहला एक्सटेंशन मान लो दे देंगे तो 1 साल का एक्सटेंशन दे सकते हैं, तो 2025 आ गया, अब एक और एक्सटेंशन दे सकते हो, 2026 आ गया, बस अब इसके बाद एक्सटेंशन नहीं दे सकते। तो 2 साल उसका टेन्योर होगा, एग्जाम में आया कि टेन्योर कितना रखा गया है मनरेगा लोकपाल का, तो 2 साल टेन्योर रखा गया है। और एक्सटेंशन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो कितनी बार कर सकते हैं, 2 बार एक्सटेंशन कर सकते हैं, और कितने साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं, एक एक साल के लिए 2 बार एक्सटेंशन किया जा सकता है। तो ये भी हमने बात पढ़ ली। इसके अलावा लोकपाल के पास क्या पावर होगी, ये किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है कि आओ, है ना, तुम्हें हम बुला रहे, समन मतलब बुलाना, कभी सुना हो ना कि कोर्ट का समन आया है तो कोर्ट बुलाता है कि आओ भैया इस दिन तुम्हारी हियरिंग है, तो ये भी बोल सकता है किसी को भी, आओ तुम आओ हमारे पास, भले वो कोई अधिकारी हो या कोई मजदूर हो, जो भी इन्वॉल्व है पार्टीज, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, आओ तुम हमारे पास, है ना, तुम अपने एविडेंस लेके आओ, डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये केस है तो इस पर बातचीत करो। और ये बोल भी सकता है किसी भी अधिकारी को या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है कि भाई तुम अपनी गलती सुधारो, पेमेंट करवाओ उसकी तुमने नहीं करवाई है। और अगर लोकपाल के कहने के बाद भी जो अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी अक्यूज्ड है उसने काम
नहीं किया तो फिर ये एक रिपोर्ट बनाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट को देगा और बोलेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। तो ये पूरी चीजें अब मनरेगा लोकपाल वाले कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस की गई है। जनरल कंप्लेंट्स को लोकपाल को 15 दिनों के अंदर सुलझाना पड़ेगा, तो जो मनरेगा लोकपाल है ना उनके पास जो कंप्लेन आएंगी 15 डेज के अंदर उसको सुलझाना पड़ेगा। अब ऐसा असली में हो जाए तो क्या बात है, बहुत बढ़िया बात, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि भाई लॉस तो आ जाते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन वाली बात है। जैसे आरटीआई में भी बोला गया कि भाई ठीक है इतने दिनों के अंदर देना, लेकिन कई बार देते ही नहीं रिस्पॉन्स, तो बस वही वाली चीज है कि बस एग्जीक्यूट भी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो मनरेगा लोकपाल हर जिले में मध्य प्रदेश के लाया जाएगा, बड़ी अच्छी पहल। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के करंट अफेयर्स का, अच्छे से सुनना। रिसेंटली व्हेन वाज द गौरव दिवस सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ उज्जैन? तो मैंने आपको, अगर जो बच्चे रेगुलरली फॉलो करते हैं करंट अफेयर तो उनको एक चीज देखो, जो रोज फॉलो करते हैं उनको कई चीजें रिविजन लगती होंगी कि अरे सर ये तो वहां से कनेक्टेड है। जो बीच बीच में देखते हैं उनको कभी कभी लगता होगा यार हर चीज नहीं आ रही यार इसमें, हर चीज नहीं है, असल में ये एक पुराने मुद्दे से जुड़ा है। 8 फरवरी 2022 की बात है, शिवराज सिंह चौहान जी ने जैत विलेज जो का है वहां से घोषणा की कि अब से हम हर मध्य प्रदेश के गांव और हर शहर का बर्थडे मनाएंगे। पता नहीं इनको क्या हो गया, इन्होंने बोला 8 फरवरी से हम सबका बर्थडे मनाएंगे, तो ये एक योजना ही बन गई है ना कि फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करना। और फिर भोपाल का फाउंडेशन डे क्या रखा गया पता है आपको, तो 1 जून सिलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि 1 जून 1949 को भोपाल ऑफिशियली मर्ज हुआ था इंडियन यूनियन से, तो इंडियन यूनियन से ऑफिशियली भोपाल मर्ज हुआ था 1 जून 1949। दरअसल भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान भोपाल को इंडियन यूनियन से मर्ज नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे इंडिपेंडेंट रहें, और ये तो संभव था नहीं। तो इनको कुल मिला के प्रेशर में डाल के, इनको समझा के, कुल मिला के 1 जून 1949 को भोपाल को ऑफिशियली मर्ज करवा दिया गया, और इसलिए 1 जून को भोपाल का फाउंडेशन डे यानी हैप्पी बर्थडे टू यू रखा गया। तो जब हम लोग 1 जून के जिस दिन करंट अफेयर करेंगे तो उस दिन हम बात करेंगे कि आज किसका फाउंडेशन डे है भोपाल का, और अब से सबका करेंगे। इंदौर का पता है क्या रखा गया, 31 मई। दरअसल 31 मई 1725 को अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म हुआ था, और इसलिए 31 मई को इंदौर का बर्थडे रखा गया। तो देखो बर्थडे रखने के पीछे कोई कोई डेट जो है ऐसे ही थोड़ा कुछ भी चुन लेंगे कि जो मन में आया, कोई रेलेवेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर सिटी का, उस डेट से कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शन तो हो। तो उज्जैन का क्या डे रखा गया है अच्छे से सुनना, तो अभी उज्जैन का हैप्पी बर्थडे टू यू 2 अप्रैल को मनाया गया और इसको एक नाम दिया गया उज्जैन गौरव दिवस। तो उज्जैन का हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया गया है 2 अप्रैल को, गौरव दिवस इसको नाम दिया गया। अब इसके पीछे क्या कारण है, 2 अप्रैल ही क्यों चुना गया, क्योंकि साल 2005 में विक्रमोत्सव, तो विक्रमोत्सव नाम से एक फेस्टिवल शुरू किया था। अगर आपको मालूम हो कि राजा विक्रमादित्य, एंशियंट हिस्ट्री में अगर आपने पढ़े हो तो राजा विक्रमादित्य एक महान राजा है ना, और वो उज्जैन से संबंधित, तो उज्जैन के राजा थे और उनने बहुत कुछ किया, उज्जैन के लिए बहुत अच्छा नाम उनका, ठीक है, तो इसलिए विक्रम उत्सव नाम दिया गया। 2005 से सेलिब्रेट करते हैं 2 अप्रैल 2005 से उज्जैन में, और क्योंकि 2 अप्रैल से शुरू की गई थी वो चीज, तो अभी उज्जैन का बर्थडे भी 2 अप्रैल को ही रख दिया गया है, ठीक है। चल तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं, तो ये अभी शिवराज सिंह चौहान साहब गए थे उज्जैन है ना, यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पे वही सेलिब्रेशन वगैरह किया, तो म्यूजिक डांस फेस्टिवल चलता है, कहीं प्लांटेशन ड्राइव चलती है, तो ये सब चलता रहता है, मीटिंग्स ऑफ लोकल एमएलएज होती है, ठीक है, तो इन्हें बताया भी था। तो देखते हैं हम लोग, तो देखो रिसेंटली व्हेन वाज द गौरव दिवस सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ उज्जैन, तो 2 अप्रैल। फॉर द फर्स्ट टाइम द बर्थडे ऑफ उज्जैन सिटी वाज सेलिब्रेटेड एज गौरव दिवस ऑन 2 अप्रैल। विक्रम उत्सव सेलिब्रेशंस वर आल्सो डन। विक्रम उत्सव वाज सेलिब्रेटेड इन उज्जैन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 2 अप्रैल 2005। तो 2 अप्रैल 2005 को हमने बोला, 2 अप्रैल 2005 को विक्रम उत्सव की शुरुआत हुई थी, और क्योंकि 2 अप्रैल को हुई थी तो उज्जैन का बर्थडे भी 2 अप्रैल मान लिया गया है। इसके अलावा ये फाउंडेशन डे प्रोग्राम कब से शुरू हुआ, तो 8 फरवरी 2022 से जैत विलेज सीहोर से ये चीजें शुरू हुई थी कि सबका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। अब देखो इतनी सारी सिटीज और टाउन्स का तो याद रखना असंभव है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो मेजर मेजर हैं जिनका डिक्लेयर हो गया है तो उनके याद रख लेंगे, जैसे भोपाल, इंदौर है, अब उज्जैन का है, तो ये हम लोग प्रयास करेंगे याद रखें। भोपाल का फाउंडेशन डे 1 जून, कहानी मैंने बता दी। इंदौर का फाउंडेशन डे मैंने बता दिया, अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म, तो 31 मई, ठीक है, और उज्जैन का 2 अप्रैल। तो अभी ये इतना इतना है, तो इस पर दिमाग में रखना है। यहाँ पर हमारे आज के 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स होते हैं खत्म, लेकिन पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा। बड़ा अच्छा लगता है आपके क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर जब मैं पढ़ता हूँ, बहुत खुशी होती है, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आज भी आप इसके जवाब देंगे। चलिए तो सबसे पहले, विच कॉमेडियन वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद लाला अमरनाथ स्मृति टेपा कॉमेडी सम्मान? तो
जो टेपा कॉमेडी सम्मान है उज्जैन से 1970 से 1 अप्रैल को हर साल होता है, 2020-21 में नहीं हो पाया और इसलिए अब 2022 वाला जो है वो 50th एडिशन हुआ है। तो 1970 से लेकर 2022 और 2022 वाला 50th एडिशन सुनील पाल इसमें जीते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा बम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद खमरिया वहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसने ये बना दिया है। इसको जीपी बॉम्ब बोल रहे हैं, जनरल पर्पस बॉम्ब बोलते हैं, 500 किलो 1.9 मीटर, डीआरडीओ के कॉपरेशन के साथ बनाया गया है। और मध्य प्रदेश में ऐसी दो और गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इटारसी और कटनी में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चीज देखो, इनको सुकोई और जगुआर विमान से गिराया जा सकता है। रिसेंटली विच प्लेयर ऑफ एमपी हैज वन ब्रॉन्ज मेडल इन नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप या कॉम्पिटिशन, तो नेशनल वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में 89 केजी कैटेगरी में भोपाल के संत हिरदाराम नगर या बैरागढ़ जो एरिया है वहां पर ही रहते हैं और हिमांशु थापा इनका नाम है, हिमांशु थापा इनका सही नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मनरेगा लोकपाल विल बी अपॉइंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ व्हिच स्टेट, तो मनरेगा लोकपाल तो कहां पर, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ये किया जाएगा अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली व्हेन वाज द गौरव दिवस सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ उज्जैन, तो उज्जैन का फाउंडेशन डे या बर्थडे किसको, कौन सी डे को सिलेक्ट किया गया है, 2 अप्रैल को सिलेक्ट किया गया है। भोपाल का क्या सिलेक्ट किया गया है, 1 जून और इंदौर का 31 मई। उज्जैन का 2 अप्रैल ही क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि 2005 में 2 अप्रैल को विक्रम उत्सव उज्जैन में शुरू किया गया था और इसीलिए 2 अप्रैल को इसका फाउंडेशन सिलेक्ट किया गया है। चलिए, तो यहां पे हमारे ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में आने की काफी संभावना, काफी हमने इस पर डिटेलिंग भी की थी। तो हाल ही में नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है वेस्ट जोन में और मध्य प्रदेश के किस जिले को दिया गया है, आपको यह बताना है। बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश को, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट किसको अवार्ड मिला है नेशनल वाटर अवार्ड की कैटेगरी में, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट जोन, तो आपके ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। चलिए, तो अब हम लोग अपनी क्लास को खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले जितने भी नए बच्चे हैं मैं बता दूं कि करेंटली हमारे पास इंडियन पॉलिटी, एमपी पॉलिटी, एमपी इकोनॉमी सबका प्री प्लस मेंस का इंग्लिश मीडियम का 2022 अपडेटेड वाला मटेरियल रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में उपलब्ध है पीडीएफ के साथ। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी है और कोई समस्या आने पर आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एमपी यूनिट 1 भी करेंटली रनिंग फॉर्म में है। चलिए, तो अब हम लोग अपनी इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे का भी जवाब दीजिएगा। चैनल को शेयर करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी बच्चे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।